नमस्ते। आज का जो टॉपिक है अपना कमेंट आंसरिंग का है, चैप्टर 13 एस्ट्रोलॉजी का धर्म कर्माधिपति योग। इस पे कमेंट किया है मिस्टर विपुल ने। उनका ऐसा कहना है कि आई एम मिथुन लग्न। ओके, मिथुन लग्न कुंडली अपने सामने है और आई हैव जुपिटर एज ए 10th लॉर्ड। तो जुपिटर इनका, यहाँ पे जुपिटर आ गया है, इसके बाद इनका ऐसा कहना है कि मेरा जो सैटर्न है, सैटर्न 8th हाउस में आ गया है। तो हम 8th हाउस का 8th हाउस पर आ जाते हैं, यहाँ पे आपका सैटर्न है। तो भाई साहब का ऐसा कहना है कि अभी ये जो धर्म कर्माधिपति योग है, 11th एंड 12th, धर्म एंड कर्म, ये दोनों का जो दृष्टि सापत्य हुआ है, तो आपके हिसाब से जो सोच रहे थे आपकी, मतलब पावर कैसा रहेगा? पावर ठीक ठाक ही रहेगा, पावर में कोई कमी नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करते हैं तो ये सिंपली परफेक्ट योग है। पावर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते थे तो हम पावर के बारे में सोच सकते थे, पर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पावर एज इट इज रहेगा। बिकॉज आपका सैटर्न खुद ओन हाउस में है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी है। जुपिटर भी अपने लिए अच्छी जगह पे है, उसकी भी स्ट्रेंथ है। सो मोर ओवर एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि इनमें भी जैसे सोचते तो पावर ज्यादा रहेगी, इनकेस अगर आप देखते हैं 4 नंबर पे जुपिटर है, मतलब अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करते हैं गुरु, अगर यहाँ पे गुरु है तो कर्क में उच्चता हो जाता है, और जो सैटर्न है वो इसके ओन हाउस में है, तो दोनों का बेसिक मतलब जहाँ पे बैठे है वो भी स्ट्रांग जगह पे बैठे है, तो आपका धर्म कर्माधिपति योग बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय भारत।